बागवान साथियों नमस्कार। 16 सितंबर 2024, आज की जानकारी जो हम लेकर आए हैं पल्लम प्लांट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली क्वीन की। अर्ली क्वीन भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक लेटेस्ट किस्म है और ये आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। इस साल हमें इसकी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई है और कलर आप देख सकते हैं और साइज इसका बहुत ही अच्छा है। दूसरी वराइटीज़ की हम बात करने जा रहे हैं, वो है ब्लैक स्पेंडर। ये वराइटी भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक लेटेस्ट वराइटीज है। 2-3 साल से बागवान अपने अर्चनों में काफ़ी ज़्यादा रुझान है इसका लगाने का, इस वराइटी का भी, और लोगों ने लगाई भी है। तो बात करें इसके फ्रूट की, ये आप इसका सैंपल हमें आया है। इसका जो सैंपल है बाहर से काला और अंदर से रेड कलर का होता है और ये भी जून से पहले या जून महीने में एलिवेशन के हिसाब से तैयार होती है। तो तीसरी वराइटी की अब हम बात करने जा रहे हैं, वो है रेड ब्यूट। रेड ब्यूट हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी पुरानी वराइटी है लेकिन इसका कलर और साइज़ बहुत अच्छा है और ये भी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छे रेट में 2024 पे और 23 पे भी बिकी है। तो बागवान साथियों, यदि आप एप्पल फार्मिंग के साथ साथ पल्लम के में भी आप काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा पल्लम की वराइटी से भी आप कर सकते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना ही है बागवान साथियों, पल्लम पहले तैयार होगा, सेब आपका बाद में तैयार होगा। और एलिवेशन की बात करें तो बागवान साथियों, आप 3000 फीट से लेकर 7500 फीट की एलिवेशन में पल्लम की वराइटी लगा सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये भी है, जो सेब की खेती नहीं कर सकते हैं, जो लो एलिवेशन वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो पल्लम की वराइटी आप अपने अर्चड़ में लगाए, घास नहीं लगाएं, जहाँ आपकी पथरीली जगह है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो बागवान साथियों, इसी के प्लांट लेने के लिए जो स्क्रीन पर दिए गए वो नंबर है, आप कॉल करके हमसे एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।